भयंकर परी, भयंकर परी, किंकू भाग। भाग बूढ़े। आओ रानी परी, आओ। अच्छाई और सच्चाई के इस प्रतीक को पत्थर में बदलते हुए तुम भी देख ली। नहीं भयंकर परी, जब तक हम यहाँ हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओहो, फिर तो बालवीर के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा रानी परी। भयंकर परी, परियों, बालवीर के प्रतिरूप को तुम भले ही ले आए, लेकिन तुम्हारा इरादा कभी सफल नहीं होगा। बालवीर, आप हमारी चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को हम सब संभाल लेंगे, लेकिन पहला मौका मिलते ही आप अपने शरीर में प्रवेश कर लेना। ठीक है माँ। जाइए, संभालिए। शरीर में आगे लगते मुझे भी भागना चाहिए। बालवीर, परियों, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में फेल हो गई। शायद मैं परी बनने के लायक ही नहीं थी। मेहर पंख मिलने से कोई परी नहीं बनता। परी तो वो बनता है जिसका दिल अच्छा होता है, मन साफ होता है, और मेहर आप भी वो सारे गुण। लेकिन मोंटू को तो बेईमानी से पंख मिल गए ना। मेहर, चाहे मोंटू ने पंख ले लिए हो, लेकिन हमारे पास अभी भी समय है। बालवीर, अगले 2 घंटों में आपको वो करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। आपको मोंटू को मजबूर करना होगा कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कार्य करने के लिए करें, ताकि ऐसा करने से
उसके पंख उससे छिन जाए। लेकिन रानी परी, ये तो सच्चाई और अच्छाई के विरोध है। बालवीर, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें बुराई का सामना बुराई से ही करना होता है। मैं समझ गया माँ। ठीक है रानी परी, मैं बुराई की इस जीत को सच्चाई और अच्छाई की जीत पे बदल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए रानी। हमारी आज्ञा है बालवीर, जाइए। चलो मैं। महर, कहाँ चली गई है तू? मुझे बहुत याद आ रही है तेरी महर। अच्छा? मैं कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है घर में सब कितने परेशान हो गए थे? मम्मी, पापा, दादा, दादी, रॉकी, चाचू, शुभांगी आंटी, सब बहुत परेशान हो गए थे। मैं तो ये तो बता, तू गई कहाँ थी? मैं बताता। वाओ, मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी अपने पावर्स के साथ लौट आया। अब मजा आएगा उन पिटियों की बैंड बजाने का। अरे मॉन्टू, भूल गया क्या? अगले 2 घंटे तक तुझे कोई बुरा काम नहीं करना है, ना ही बुरा सोचना है। ओ महान गेंडे, ओ दो पैरों वाले हाजी, बेवकूफों के सरदार, आप जहाँ कहीं भी हो हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहो। No, 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 no. Be a good boy. Be a good boy, Montu. और इसीलिए हमें मोंटू को इतना गुस्सा दिलाना होगा कि वो कोई बुरा काम कर बैठे, समझ गए? लेकिन बालवीर, तो मोंटू 2 घंटे के लिए अच्छा बच्चा बन रहा है। मैं 2 घंटे के लिए शांति तो मिलेगी ना, मुझे क्यों छेड़ रहा है पुकी? सॉरी, अरे पुकी समझ जरा, अगर मॉन्टू 2 घंटे में कोई बुरा काम करेगा तो ही उसके पंख बेकार होंगे। हाँ, डोंट वरी बालवीर, मॉन्टू तो है ही बुरा, उसको बुरा काम करने के लिए उकसाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपना डाटा फिश कर देगा। हाँ। नहीं बच्चों, ये कार्य जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि मॉन्टू को भी पता है कि अगर उसने 2 घंटे में कोई बुरा काम किया तो वो पंख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। वो ये गलती कभी नहीं करेगा। हमें ही कुछ करना होगा। अरे मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम? तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। चिंता? मोंटू बॉस, आपके चिंता में हम हमारा रो रो के हमारा बुरा हाल हो गया मोंटू बॉस। हाँ बॉस, देखो हमने आपकी याद में आपका पुतला भी बना दिया। ये पुतला? देखा, मैंने कहा था ना ये पुतला पतला है। अब तू ही बोल कि इसकी शक्ति शादी के ऐसे दिखती है। नहीं ना, तो केवल कंट्रोल मोंटू, कंट्रोल। अच्छा है, बहुत अच्छा है पुतला, बहुत अच्छा है। तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारा जग ये भी बहुत अच्छा है। ओ मोंटू बॉस, ये क्या अच्छा का रट लगा के रखा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बॉस, ये अच्छे शब्द आपको शोभा नहीं देता। हाँ बॉस, उठो, पूरे बनो और चलो उन पिज्जियों की बैंड बजाते हैं। उन बिचारों को पिट्टी मत कह, उन्हें अच्छे बच्चे बोलते हैं। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। बालवीर देखो, मोंटू को अच्छा बच्चा बनने में कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, उसको बड़ा शौक है ना बॉस बनने का, उसे दिखा दो कि बॉस होता क्या है।
तू समझता क्या अपने आप को? अरे रोहित, वो हमारे मोंटू बॉस है। अरे है तो क्या, हाँ तू क्या नए चेले ढूंढने चले जाएगा तो हमें छोड़ देगा? हाँ इसका चेहरा बनने के लिए हमने कितनी मार खाई है पता है तुझे? आज तो तू गया। कंट्रोल मोंटू, कंट्रोल। तीन तो से लगता है मोंटू इधर को पीट देगा मेरी तरह। चल उठ और मेरी माफी मांग, उठा बैठक निकाल उठ। मोंटू तक ये कहानी से उठक बैठक निकालेगा? अच्छा अब समझ में आया, बालवीर ने रोहित पर जादू किया है मुझे उकसाने के लिए ना। लेकिन मैं भी पक्का खिलाड़ी हूँ, 2 घंटे ही संभालना है मुझे, संभाल लूंगा। अरे रोहित मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दिलदार, अरे आई एम सॉरी, मैं उठक बैठक निकालता हूँ। 1, 2 और सुना, आज से तू हमारा बॉस है। बॉस? हाँ। पहली बार एक हाथी को एक चूहे को बॉस बोलते हैं, देख रहा हूँ मजा आ गया यार। इनका तो कुछ ना मुश्किल है, ईयरफोन्स पहन लेता हूँ, इनकी बात ही ना सुननी पड़े। सुनूंगा तो गुस्से में आकर कुछ बुरा कर दूंगा और मेरे पंग गवा दूंगा। बस सिर्फ 1.5 घंटे का सवाल है, बाद में देख लूंगा इनको और बालवीर को भी। चल रहे गेंडे, गेंडा कहीं का। मोंटू ने तो ईयरफोन्स पहन रखे, अब हम उसे उकसा भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? चिंता मत कर, हमें कुछ तो करना ही होगा। बस अभी 1/2 घंटा बाकी है, इसके बाद ये पंख हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। लगे रहो मोंटू, लगे रहो। चल, भूल गया कि मैं बॉस हूँ? तेरे आने के खुशी में पार्टी वार्टी देगा या नहीं? गेंडे पार्टी वार्टी देगा या नहीं? देखा, हाँ बोल रहा है, मुझसे डर गया यार। हाँ तो केवल तेरे लिए 6 बार का क्यों चलेगा ना? पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, करने दो, हाँ बोल देता हूँ। चलेगा चलेगा, 3, 5 पिज़्ज़ा चलेगा चलेगा चलेगा, तू पैसा तो देगा ना? चल केवल। मालवीर अब तो मुझे नहीं लगता कि मोंटू कोई बुरा काम करेगा, और अभी तो वक्त भी बहुत कम बचा है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बालवीर नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। मोंटू जी आपको पता है आप कैसे दिखते हैं? ये देखिए बंदर। Thank you.
मानव के बच्चे। मानव, मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा आर्टिस्ट है। कितने प्यारे प्यारे पोस्टर्स बनाए तूने, है ना? पर नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा आइडिया लगाना। अब जा। एक मिनट। तूने जो इतने प्यारे प्यारे लवली पोस्टर्स बनाए ना, उन्हें लेके तो जा। और एक बात सुन, अगर मैं अपने कान बंद कर सकता हूँ ना, तो मैं अपनी आंखें भी बंद कर सकता हूँ, है ना? गुड बाय। मानो के बच्चे, भड़का दे मुझे और भड़का। अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 2 घंटे पूरे होने में। 5 मिनट के बाद तुझे देख लूंगा। बालवीर, मोंटू तो साधु की तरह समाधि लेकर बैठ गया, अब क्या करें इसका? मैं कुछ करता हूँ।